हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो मैं आ चुकी हूँ और अपने घर, और कल आई हूँ शाम में। तो एक्चुअली मैं मेरा ब्लॉग नहीं जा रहा था क्योंकि मैं एग्ज़ाम दे के नेक्स्ट डे ही रिटर्न होने वाली थी, बट मम्मी की तबीयत ख़राब हो गई थी अचानक और बहुत ज़्यादा हो गई थी, जिसकी वजह से मुझे यहाँ रुकना पड़ा था। और ब्लॉगिंग वगैरह, तबीयत ख़राब था तो क्या ब्लॉग करती, और वैसा कहीं आना जाना भी नहीं हुआ। तो कंटिन्यू करते हैं, मैं आ गई हूँ और कंटिन्यू करते हैं ब्लॉग को। और मेरा मोबाइल भी ख़राब हो चुका है, जिसकी वजह से इस फ़ोन से बनाने में वो मज़ा नहीं आ रहा है कि पिक्चर क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं आ रही है, बट देखते हैं, फ़ोन लेने की कोशिश करेंगे तो जल्द ही, क्योंकि पिक्चर क्वालिटी थोड़ी अच्छी आएगी तो आपको भी देखने में अच्छा लगेगा। और फ़िलहाल रहा है, और मेरे हस्बैंड अभी जा चुके हैं ऑफ़िस, तो मैं भी थोड़ा सा यहाँ पर चाय पी रही हूँ और रियान को नाश्ता करा रही हूँ। तो नाश्ता वगैरह करके और रियान यहाँ पर देख रहा है, और रियान यहाँ पे चला रहा है लैपटॉप। तो ये नाश्ता ये भी कर, इसको थोड़ी देर पढ़ाने बैठाऊंगी क्योंकि इसका अभी तक ये स्कूल नहीं जा पाया, क्योंकि मैं उधर चली गई थी। मैं सोची थी आऊँगी तो जाएगा, तो अभी तक नहीं, पता नहीं क्या है, क्योंकि ऐसे तो नहीं होता है, कोई काम आसानी से होने वाला नहीं है कि एकदम चाहो और हो जाए। तो अभी तक रियान स्कूल नहीं गया और समर वैकेशन भी स्टार्ट हो जाएगा, तो देखते हैं क्या है। बाकी होमवर्क वगैरह सारे मोबाइल पे आ रहे हैं, कि जितने भी होमवर्क मिलते हैं या फिर कुछ भी ऐसा वर्क होता है तो मोबाइल पे वो आ जाता है। और कल ईद की भी छुट्टी है, कल ईद भी है, तो आप सभी को हैप्पी ईद। तो देखते हैं क्या है, समर वेकेशन के बाद जाता है या एक दिन भी इसको स्कूल जाना होता है, क्योंकि इसका जो शेड्यूल आया स्कूल का वो है कि ईद के बाद इसका समर वेकेशन स्टार्ट हो जाएगा, और कब खुलेगा वो नहीं पता है, अभी तक वैसा कोई मैसेज नहीं आया है, तो वो सब आ जाता है। तो देखते हैं, बाकी होमवर्क वगैरह मिल रहा है, ये पढ़ाना है, ये करना है, तो उस चीज़ अभी मैं इसे थोड़ी देर बैठ के कराऊंगी। बाकी तो मेरा तो खैर भगवान भरोसे है, क्योंकि मैं जब भी कहीं जा रही हूँ फिर आ रही हूँ, तो कहीं ना कहीं मतलब पूरा घर को क्लीन करके जाती हूँ, फिर जहाँ जाती हूँ वहीं मतलब 10 दिन निकल जाता है, फिर आना होता है, फिर क्लीन करना होता है। तो अब तो क्लीन करने से भी डर लग रहा है, कि ये नहीं कि फिर से क्लीन करो और फिर से कहीं जाना पड़े, क्योंकि मैंने एग्ज़ाम जो दिया है वो 2 टायर में होने वाला है, तो टायर फर्स्ट हो चुका है, सेकंड टायर भी होना है। अगर फर्स्ट में मेरा निकल जाएगा तो सेकंड आएगा, तो आप लोग भी प्रे कीजिए मेरा ये वाला एग्ज़ाम, फर्स्ट टायर वाला क्लियर हो जाए। एग्ज़ाम तो अच्छा गया था, बट कुछ कह नहीं सकते क्योंकि अभी उसका आंसर की नहीं आया है, आंसर किया जाता है तो देखते हैं फिर। तो चलिए चलते हैं फिर, बिना बकवास किए हुए। तो पहले रियान को मैं खिला देती हूँ, और यहाँ पे मैं पी रही थी चाय, तो पी लेती हूँ थोड़ा सा चाय। तो चाय पीने के बाद तब आगे काम करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा कपड़ा निकला हुआ है, बहुत ज़्यादा। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं थोड़ी देर में, तो बने रहें आप मेरे साथ व्लॉग में। और यहाँ पे मैं आ गई हूँ अपना हॉल क्लीन करने के लिए, और आप देख सकते हैं बेड पे कपड़ा बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, तो इसे मैं पहले कर लेती हूँ, उसके बाद धीरे धीरे सारे काम कर लूँगी। तो रियान को यहाँ मैंने खिला दिया था, और वो जब तक खेल रहा है तब तक इधर मैं अपना काम जल्दी जल्दी कर लेती हूँ। मॉर्निंग में बहुत ज़्यादा काम हो जाता है, मैं सारा काम मेरे हस्बैंड ऑफिस चले जाते हैं उसके बाद मैं करती हूँ, क्योंकि मॉर्निंग में बहुत ज़्यादा हड़बड़ हो जाता है। मॉर्निंग में उठो, फिर नाश्ता बनाना, बउआ को खिलाना, फिर झाड़ू पोछा, सब कुछ हो जाता है। तो इसीलिए मैं उन्हें भेज देती हूँ, उसके बाद मैं अस्थिर से उसके बाद करती हूँ फिर। तो आप यहाँ देख सकते हैं बहुत ज़्यादा गंदा भी हो गया था, क्योंकि लगभग 10-12 दिन हो चुका था, और बेड वगैरह नहीं झड़ा पाया था, तो बेडशीट वगैरह भी धोना है, तो इसे मैं धीरे धीरे धोऊँगी। और मैंने कुछ चीज़ ऐसी थी जो जहाँ छोड़ के गई थी, बस मुझे मैंने मेरे आने के बाद भी मुझे वहीं ही मिली थी, तो आप समझ ही सकते हैं। और अकेले क्या क्या करे आदमी। तो अभी क्या हुआ मैं आपको बताती हूँ। एक मैं रियान को जब खाना खिला रही थी, तो खिला के रियान को मैं भी नाश्ता करने चली गई थी, और आज मैं नहाई भी नहीं हूँ इसलिए, क्योंकि मैं आपको बताती हूँ। तो रियान को मैं खाना खिला रही थी, उसके बाद मैं भी नाश्ता करके ब्रश वगैरह करके, क्योंकि मुझे घर क्लीन करना था। तो मैंने पहले भी बोला था कि मुझे जिस दिन काम होता है पहले मैं काम ख़त्म कर, क्योंकि नहा लेने के बाद सब कुछ कर लेने के बाद उसके बाद फिर काम करने का मन नहीं होता। तो अभी क्या हुआ, मॉर्निंग में आज मैंने अपना गैस चेंज किया था, वो मेरा ख़त्म हो गया था तो वो मैंने चेंज किया था। तो चेंज करने के बाद वो हल्का सा मैंने वो जो वाइट वाला नॉब लगा हुआ था ना, तो उसे मैंने खोला था, तो वो महक रहा था उस समय, तो मुझे पता नहीं चला, क्योंकि गैस तो अचानक से आप भी खोलते हो तो महकता है। तो मैंने चेंज वगैरह कर दिया, उसके बाद मैंने खाना नाश्ता वगैरह सब कुछ बना लिया था।
तो उसके बाद फिर मैं रियान को खिला करके और मैं भी नाश्ता करके वहीं रूम में बैठी हुई थी। और आज मैंने हवा इतनी चल रही है 2-3 दिन से कि मैंने खिड़की उड़की सब बंद करके रखा था, क्योंकि इधर से आप देख सकते पूरा हवा आता है। आप देख सकते ये पूरा ये उड़ रहा है, तो ये पूरा हवा आता है ऐसे। तो मैंने खिड़की बंद कर दिया था, बट मैं हमेशा अपना गैस नीचे से खाना बनाने के बाद ज़रूर बंद कर देती हूँ, बट आज मैंने गैस नहीं बंद किया था। और ऐसे नहीं भी बंद करती हूँ तो भी वो इतना कोई ये इशू नहीं है, बट आज मैंने नहीं बंद किया था। मैं भी नाश्ता करके और रूम में ही बैठी हुई थी, तो उसके बाद मैं उधर काम कर रही थी और इधर पूरा गैस लीक हो रहा था नीचे से, मतलब बहुत ज़ोर से बज रहा था। तो अचानक हुआ क्या कि मतलब उस समय रूम से इधर नहीं आने वाला, क्योंकि मेरा किचन का काम खत्म हो चुका था। और उधर से मैं आई हूँ किसी काम से, रियान ने मुझसे जैम मांगा था खाने के लिए, तो मैं उसे देने आई थी। तो मुझे गैस हॉल में भी महक रहा था, तो अगर ये आज किचन खुला रहता तो गैस का महक इधर से इधर निकल जाता, उस साइड अंदर रूम में नहीं जाता है। तो महक रहा था, मैं देखी तो बहुत ज़ोर से पूरा गैस लीक हो रहा था और महकने लगा। तो पता नहीं क्यों महकने लगा कि अब मैं तो रेगुलेटर चेंज करने वाली हूँ, क्योंकि रेगुलेटर बिल्कुल मेरा सही लगा हुआ था, क्योंकि इसे ही मैं कम से कम 3-4 साल हो गया मुझे यूज़ करते हुए, मैंने रेगुलेटर चेंज नहीं किया है। जो न्यू लगा था, मैं शादी करके आई थी जब से ये न्यू लगा था, तो वही लगा हुआ है, बट क्यों लीक करने लगा। अगर मैं आज अगर इधर नहीं आती, अगर किसी काम से उधर ही मैं नाश्ता करके उधर ही काम करके और मैं बैठे रह जाती, तो मुझे थोड़ा भी पता नहीं चला, क्योंकि हम रूम में महक जाने का सवाल ही नहीं, क्योंकि इतना महक पूरा एकदम फैल जाएगा तभी रूम में उधर महक जाएगा, नहीं तो उधर खिड़की से निकल जाएगा या फिर एग्जॉस्ट से निकल जाएगा। बट मैं आपसे बस इतना कहना कि अगर आपका भी अगर काम वगैरह ख़त्म हो जाए, अगर आपको नहीं किचन का काम है, अगर आप स्पेशली अगर आप अकेले रहते हो, तो आप अपना काम ख़त्म करने के बाद नीचे से गैस का नोब ज़रूर बंद कर लें। मतलब ये नहीं कि गैस रेगुलेटर ख़राब है या फिर ऐसा वैसा कुछ भी हो, अगर आपका गैस का काम ख़त्म हो या अगर आप कहीं जा भी रहे हो थोड़ी देर के लिए मार्केट, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है और आप समझ ही सकते इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ। तो आज तो मैं बाल बाल बच गए, मुझे मतलब समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। मुझे रियान का दलिया चढ़ाना था, बट मैंने अपने हस्बैंड को फ़ोन किया है तो उन्होंने कहा है कि रेगुलेटर वो नया ले आएंगे, बट कुछ दिन तक एकदम दिमाग ये रहेगा कि कहीं मुझे नींद ना लग जाए, कहीं गैस लीक ना हो जाए, मतलब समझ सकते हैं आप। तो देख लेते हैं 2-3 दिन अच्छा सा रेगुलेटर यूज़ करके, अगर सब चीज़ ठीक है तो फिर ठीक है, बट अगर आप किचन में ना हो तो किचन में कुछ भी ना चढ़ाए, स्पेशली अभी गर्मी में कुछ भी ना चढ़ाए और खाना बन जाए तो रेगुलेटर ज़रूर बंद कर लें। तो देखते हैं, क्योंकि हल्का हल्का तो किचन में बहुत ज़्यादा मतलब जोर से आवाज़ भी हो रहा था। मैं मतलब आई इधर देखने के लिए तो देखिए कैसे ये हो रहा है, एकदम भक हो गया एकदम कि क्या करूँ। मैं नीचे से फर्स्ट मैंने रेगुलेटर बंद किया, जल्दी से मैंने एग्जॉस्ट चलाया, खिड़की खोला, अभी ठीक है, बट जब तक अब मैं इसे चेंज नहीं कर लूँगी तो कोई ये नहीं, क्योंकि इसके साथ मैं रिस्क नहीं लेना चाहती। और बाकी सब कुछ ये है, तो फिलहाल मैं आई हूँ रियान का अनार का कि दलिया मैं चढ़ाने वाली नहीं हूँ, क्योंकि इसे मैं अभी ऑन नहीं करूँगी, और फिलहाल इसे अनार दे देते हैं, शाम को देखते हैं क्या है, तो उसके बाद मैं आपको बताऊँगी फिर। तो बने रहे मेरे साथ व्लॉग में। और एक चीज़ और मैं आपसे कहना चाहूँगी, आप जब भी गैस लें, जो भी वेंडर आता है आपके यहाँ देने के लिए, आप जब भी गैस लें तो अपना गैस लीक हो रहा है या नहीं हो रहा है वो ज़रूर चेक करा लें, क्योंकि आपकी सावधानी आपके हाथ में है। तो और खैर मैं तो कुछ आगे बोल भी नहीं सकती हूँ, क्योंकि मेरा बिल्कुल दिमाग नहीं काम कर रहा है। तो चलिए फिर बने रहिए व्लॉग में आप मेरे साथ। तो मैंने यहाँ पे अनार छील दिया है, मैं रियान को दे देती हूँ उसे खाने के लिए, जब तक वो खाएगा तब तक मैं इधर, शाम हो चुका है तब तक मैं इधर झाड़ू लगा लूँगी। तो ले बेटा लो अनार लो। तो शाम हो चुकी है और आप देख सकते हैं कितना तेज धूप आ रहा है इधर पूरा, तो मैं झाड़ू लगा लेती हूँ उसके बाद फिर। तो यहाँ पे मैं आ गई थी, शाम हो चुकी है, तो झाड़ू लगाने उसके बाद मैं नाश्ता बना लूँगी। तो अभी तक मेरे हस्बैंड नहीं आए, वो आएंगे और गैस का और रेगुलेटर वगैरह चेंज करेंगे, उसके बाद देखते हैं, क्योंकि मैंने गैस एजेंसी में कंप्लेन भी किया है, तो उन्होंने कहा कि आपका हो सकता है गैस गैस के सिलेंडर के अंदर बासर रहता है, कुछ कहते हैं वो फट गया हो, तो वो देख लेने के लिए। तो वो भी मैंने चेक किया, मैंने कभी गैस को ऐसे नहीं देखा, मतलब ऐसे कुछ उसमें खोला नहीं था कभी, तो मुझे पता नहीं है, बट मेरे हस्बैंड ने देखा यहाँ पे, वो आ गए थे और उन्होंने चिकन ले आया था, उन्हें लगा कि अगर बासर फट गया होगा चेंज कर देंगे तो ठीक हो जाएगा, बट सिलेंडर में ही कुछ खराबी थी,
मैंने बास मेरे हस्बैंड ने बासर चेंज भी कराया था ले जाके सिलेंडर, तो भी नहीं वो ठीक हुआ, तो सिलेंडर हम लोग ने नीचे रख दिया था। बाकी हम लोग ने नीचे से छोटा वाला सिलेंडर हमारे जो मकान मालिक है उन्होंने दिया था बनाने के लिए, तो हम लोग ने रात में खाना उसी पे बनाया था। और उसके बाद मुझे कुछ करने का भी मन नहीं हो रहा था, तो मेरे हस्बैंड ने ले आया था चिकन, तो सोचा कि बना लेते रोटी। मैंने सेक लिया था और खा करके उसके बाद मैं आज आगे कुछ नहीं करने वाली हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा थोड़ा सा परेशान हो गई थी आज। तो चलिए बना लेते हैं चिकन और रात का डिनर कर लेते हैं। जब तक तो यहाँ पे आप देख सकते सिलेंडर मैंने खोल करके नीचे रख दिया था, और रेगुलेटर भी मैंने चेक करवाया था, तो वो भी वो रेगुलेटर ठीक था, मेरा सिलेंडर में ही डिफ़ॉल्ट था, तो वो सिलेंडर कल चेंज कर देगा कि मैंने कंप्लेन कर दिया था। अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ लगे तो आप फौरन ही मतलब चेक कर ले इसे, नहीं तो। और यहाँ पे आप देख सकते हैं रियान अपना क्लासेस वगैरह का कुछ कर रहा था, उसका लैपटॉप पे मैंने लगा दिया था, वो पढ़ रहा था इस पे। तो मिलते हैं एक अच्छे से ब्लॉग में नेक्स्ट। बाय बाय।